वेरी गुड आफ्टरनून. आज हमारी डेमो क्लास है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की. जिस डेमो क्लास में मैं आपको इंट्रोडक्शन एक्ट की बता रही हूँ, अगर आप ज्वाइन कर रहे हो क्लासेस तो आगे क्लासेस कैसी रहेंगी. जस्ट आज हम थोड़ा सा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में पढ़ेंगे. गुड इवनिंग वीरेंद्र. अगर किसी को भी मेरे समझाने में अगर रिपीट कर रहे हैं तो प्लीज आप चैट बॉक्स में या अनम्यूट करके बोल सकते हो रिपीट करने के लिए. ओके, होप आई एम ऑडिबल. प्लीज एक जना यस और नो लिख दो, जो भी कंफर्टेबल हो. ओके ओके, थैंक यू. थैंक यू वीरेंद्र. ओके कृष्णा. ओके शुभांगी. थैंक यू. आप चैट बॉक्स में डाउट्स पूछ सकते हो. ठीक है, सबसे पहले हम कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं. कोई भी एक्ट करने से पहले आप हमेशा पहले एक्ट का पर्पस और मीनिंग समझो. एक्ट का मीनिंग क्या है और बनाने का पर्पस क्यों नीड हुई. ऑफ कोर्स हम कोई भी एक्ट वैसे तो नहीं बनाएंगे, हमें अगर कोई भी इनेक्टमेंट की जरूरत क्या है, सबसे पहले हमें उसका मीनिंग पता होना चाहिए और पर्पस. हाँ जी, आई एम सॉरी, बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं ना क्लास तो थोड़ा सा रिपीट करना पड़ सकता है. सबसे पहले अगर हम कोई भी एक्ट पढ़ रहे हैं तो हमें सबसे पहले उसका मीनिंग पता होना चाहिए, पर्पस. हाँ जी, पर्पस पता होना चाहिए. ओके, हमने पढ़ना है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. इंडियन का आपको मतलब पता है, एक्ट का आपको मतलब पता है, आपको कॉन्ट्रैक्ट का पता होना चाहिए. पहले कॉन्ट्रैक्ट का मतलब भी क्या होता है, एक लेमैन, एक नॉर्मल इंसान को अगर हमने समझाना कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है. कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जैसे यहाँ पे लगा लो ए, यहाँ पे लगा लो बी. आप में से किसी का नाम ले लेते हैं, वीरेंद्र का नाम ले लेते हैं एग्जाम्पल. यहाँ पे मैं हूँ ए, ठीक है, यहाँ पे है वीरेंद्र. ओके, यहाँ पे अगर हम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट करना है, हम दोनों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट करना है. हमेशा कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा याद रखना, दो पार्टीज होंगी. एक दोनों एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ परफॉर्म कर रही होंगी, फिर ही वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा. मैं यहाँ पे क्या परफॉर्म कर रही हूँ, टू टीच इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा रही हूँ, आप बदले में क्या कर रहे हो, फीस दे रहे हो. आप बदले में फीस दे रहे हो तो यहाँ पे मेरी भी कोई ऑब्लिगेशन होगी और आपकी भी कोई ऑब्लिगेशन होगी. ऑब्लिगेशन कहने का मतलब आपकी भी कोई ड्यूटी होगी. ठीक है, हमेशा अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ हो गया, तो अगर मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया और आपने मुझे मेरी फी पे कर दी, तो हमारा क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया. हमारा क्या, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया. कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है, हम दोनों ने एग्री कर लिया. एग्रीमेंट का क्या मतलब होता है, हम दोनों ने एग्री कर लिया, मतलब हमने मंजूर कर लिए कुछ टर्म्स भी. हाँ जी मैम, आप हमें इतने दिनों में ये पढ़ाना, हम आपको सर्टेन फीस देंगे. एग्रीमेंट देते हैं तो दोनों पार्टीज के राइट्स भी होते हैं और लाइबिलिटीज भी कुछ होते हैं. राइट्स कहने का मतलब आप मुझसे कुछ डिमांड कर सकते हो और आपकी कुछ लाइबिलिटी भी होगी. अगर हम हमारे एग्जाम्पल में देखें, यहाँ पे ए है, यहाँ पे वीरेंद्र है. ठीक है, मेरा यहाँ पे मैं टीच कर रही हूँ, दोबारा लिखते हैं, आप यहाँ पे फी पे कर रहे हो. ठीक है, यहाँ पे मेरा राइट क्या है, कोई मुझे बताएगा मेरा राइट क्या है यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट में, मेरा राइट क्या है. मेरा राइट है, अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप मुझे मेरी फीस पे करो, मेरा फी पे करो.
और आपका भी कोई राइट होता है कॉन्ट्रैक्ट में, यस, कि आप मुझे बोलो कि मैम ये वाला सेक्शन बढ़ाओ, ये ऐसे करो, ये मुझे समझ नहीं आया, ये रिपीट करो, तो ये क्या हो गया, आपका राइट हो गया टू टीच, ठीक है। और अपोजिट एक पार्टी की अगर राइट्स होंगे, उसके लाइबिलिटीज भी होंगे। मेरी लाइबिलिटी क्या है कि हाँ जी मैं अपना टाइम पे सिलेबस पूरा करूं, ठीक है, ये मेरी लाइबिलिटी। आपकी लाइबिलिटी क्या है कि आप टाइम पे अपनी फी पे करो। तो हमेशा पार्टीज की राइट्स भी होंगे एंड कुछ लाइबिलिटीज भी होंगी जो हमें परफॉर्म करनी पड़ेगी, ठीक है, एक एग्रीमेंट में, ठीक है। एक एग्रीमेंट में जब पार्टीज के एग्रीमेंट विच लेज डाउन राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ पार्टी हु एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट। अभी मैं लिखवा नहीं रही हूँ, ऑफ कोर्स जब भी आप ज्वाइन करोगे लेक्चर तो आपको रिटन नोट्स पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएंगे, और साथ साथ में मैं आपको लिखवाती भी जाऊंगी बोल बोल के। तो आप सिर्फ आज डेमो क्लास में जस्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समझने की कोशिश करो, ठीक है। ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट। जब हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो हमेशा याद रखना कॉन्ट्रैक्ट हमेशा फुलफिल थोड़ा होता है। फुलफिल का मतलब होता है पूरा, हमेशा जरूरी नहीं है ना पूरा हो, वो हमेशा कुछ लोग उसे तोड़ भी देते हैं, कुछ लोग उसे तोड़ भी देते हैं। एग्जाम्पल, आप मुझे मेरे से पढ़ लो, बट क्या है बीच में आपको मैं जब फीस का बोलूं आप मना कर दो, और एक क्या हो सकता है आप फी पे कर दो सामने वाला ना पढ़ाए, तो क्या हो सकता है, राइट फुलफिल भी हो सकता है। ऑफ कोर्स आपने, मैंने टाइम पे अपना सिलेबस भी करवा दिया और आपने फी पे कर दी, ये भी हो सकता है, बट ये भी तो हो सकता है ना, हमारा कॉन्ट्रैक्ट टूट सकता है। टूटने को क्या बोलते हैं, हमारा कॉन्ट्रैक्ट जब टूट जाता है तो हम उस, फरहान प्लीज आप स्क्रीन पे प्लीज कुछ ना लिखें, अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में लिख दो, क्योंकि सभी डिस्टर्ब होते हैं। हाँ जी वीरेंद्र, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आपने सही बोला, कॉन्ट्रैक्ट या तो कॉन्ट्रैक्ट के, अब उसके बाद अगर कॉन्ट्रैक्ट बन गया, या तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल होगा या आप तोड़ोगे। तोड़ने को हम क्या बोलते हैं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और इसकी हम पूरे लेक्चर में शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे बीओसी, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब ब्रीच हो गया, हमारे अंदर हुआ था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बढ़ाने का और फीस पे करने का, और ब्रीच हो गए, ठीक है, मैंने पढ़ाने से मना कर दिया, ठीक है। अब आप कोर्ट में जाओगे मेरे खिलाफ, अब वीरेंद्र मेरे खिलाफ सूट में चला गया, ठीक है, कोर्ट में चला गया कि मैम ने मुझे आधा फीस तो ले ली बट आधा पढ़ाने से मना कर दिया। अब ब्रीच में वीरेंद्र मेरे से क्या चीजें मांग सकता है, उसके पास कौन कौन से राइट्स हैं, क्या क्या रिलीफ, कौन कौन से रिलीफ ले सकता है वीरेंद्र, क्या कुछ मांग सकता है। पहली तो क्या चीज है, कंपनसेशन मांग सकता है। कंपनसेशन कहने का मतलब, मैम मेरी फीस रिटर्न कर दो, ठीक है, जो मुझे इतना नुकसान हुआ है वो आप मुझे रिफंड कर दो। तो वो रिफंड को हम क्या बोलेंगे, कंपनसेशन, आप मुझसे रिफंड कंपनसेशन मांग रहे हो। सेकंड क्या हो सकता है, याद रखना, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है, आप मुझे ऐसे भी बोल सकते हो भी नहीं मैम हमने आपसे आधा पढ़ लिया और आधा पढ़ाने के लिए हमें कोई टीचर नहीं मिलेगा, तो आप ही अपना पार्ट परफॉर्म करो, मतलब आप ही हमें पूरा एक्ट पूरा करो। तो अगर ये, अगर आप कंपनसेशन मांग रहे हो मुझसे भी, मैम पैसा दो मैंने आपसे आगे पढ़ना ही नहीं है, तब तो आप जा रहे हो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। बट आप अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग रहे हो कि मैम नहीं, आप मुझे कंपेल कर रहे हो कोर्ट के थ्रू कि हाँ जी नहीं आप अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करो, आप पैसे दे के नहीं छूट सकते, आप अपना पार्ट ही पूरा करो, तो आप कौन से एक्ट में जाओगे, स्पेशल रिलीफ एक्ट। हमेशा याद रखना, इसके लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है और इसके लिए SRA होता है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ये दोनों अलग अलग एक्ट है, पर हम यहाँ पे सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं। यहां तक सभी को समझ आया, अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज आप पूछ सकते हो। ओके, ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट वर्ड कहाँ से आए। ओके ओके, थैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अराइज होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट वर्ड कहाँ से आया है। हम बोलते हैं ना, अगर हमसे कोई हमारा नाम पूछता है तो हम उसका मीनिंग समझाते हैं साथ के साथ, तो कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग कहां से आया, तो ये एक लैटिन वर्ड है,
लैटिन वर्ड से आया है। कॉन्ट्रैक्ट दो वर्ड से मिलके बना है, हमेशा याद रखना, कॉन एंड ट्रेहर। कॉन एंड ट्रेहर, कॉन का क्या मतलब होता है? टुगेदर। ट्रेहर का क्या मतलब होता है? टू ड्रॉ। ठीक है, कॉन एंड ट्रेहर से मिलके बना है। अब आपको आज कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से करवा रही हूँ। कि कॉन एंड ट्रेहर, ये दो भी इकट्ठे बन के क्या बन जाता है? हमारा वर्ड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। मैंने क्या बोला था? इसका मतलब है टुगेदर, ट्रेहर का मतलब मैंने बोला टू ड्रॉ। अगर हम कंबाइन इन दोनों को मिला दे तो क्या बन जाता है? टू ड्रॉ टुगेदर और टू ब्रिंग टुगेदर, कुछ भी बन जाएगा, इसका पूरा मीनिंग बन जाता है टू ड्रॉ टुगेदर और टू ब्रिंग टुगेदर। इसका क्या मतलब है? मतलब हम दोनों चीजें टुगेदर, हम दोनों मिलके एक टर्म्स पे एग्री कर रहे हैं, हम एक चीज पे, तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अब एग्जांपल ले लो, अब हम लेते हैं शुभांगी। ठीक है, अब शुभांगी और मैं ए हूं, आप हो शुभांगी। ठीक है, मेरे और शुभांगी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि मैंने बोला मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाऊंगी, आप मुझे 15,000, आप, हम सारा कोर्स करेंगे, पूरा जुडिशरी का सारा कोर्स करेंगे जेजेसी क्लासेस में, तो आप हमें सारे का 15,000 दोगे। एग्जांपल है, ये कोई अमाउंट नहीं है। ठीक है, तो ये ऑफ कोर्स यहाँ की हेड आपसे बात कर रहे हैं, अगर आपने सारा ज्वाइन करना है तो 15,000, अब लगा लो 10,000। ठीक है, तो उसके बाद 10,000 में हमारी बात होगी भी, हाँ जी 10,000 में हम आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। ठीक है, अब शुभांगी बाद में बोल रही है, आप जो आप ये वाला टर्म बोल रहे हो, यहाँ पे दो टर्म्स होगी ना, एक तो ऑल सब्जेक्ट्स और 10,000 में। आप बोल रहे हो ऑल सब्जेक्ट्स तो ठीक है, पर ये 10,000 काट के 8,000 कर, क्या ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट बना? नहीं। अगर आप टर्म्स चेंज कर रहे हो तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। ये इसका क्या मतलब हो गया? आप मुझे दोबारा एक ऑफर भेज रहे हो, अभी तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है। हम दोनों, अब मैं बात कर रही हूँ जुडिशरी की, और ठीक है, अब आप बात कर रहे हो, नहीं नहीं मैंने तो क्या बोलते हैं यूपीएससी की कोचिंग लेनी है, अब ये मैच कर रहा है? नहीं। अब हम पढ़ा रहे हैं जुडिशरी के लिए, आप बात कर रहे हो यूपीएससी के लिए, तो हमारी दोनों की टर्म्स सेम होनी चाहिए। अब आपने 10 बोल दिया, मैंने बोला नहीं नहीं हम तो 10 से कम करेंगे ही नहीं करेंगे, तो अब ये क्या हो गया? हमेशा कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स, टू ब्रिंग टुगेदर का क्या मतलब है? हम दोनों उस बात को लेके सेम टर्म्स में एग्री करने चाहिए टुगेदर। हमने बोला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाने का एक्स अमाउंट में, तो आप एक्स अमाउंट में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ने की बात करो, कोई और एक्ट पढ़ने की बात कर रहे हो तो वो तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ। ठीक है, अब आप बोल रहे हो हमने तो पंजाबी सीखनी है, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ? नहीं, हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात कर रहे हैं, आप लैंग्वेज ही चेंज कर रहे हो। ठीक है, सब्जेक्ट ही चेंज कर रहे हो, तो ये क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा जब होगा, जब दोनों पार्टी एग्री होगा और दोनों पार्टी का जो बात है सेम होगा तब कॉन्ट्रैक्ट होगा ना। हाँ जी, टर्म्स हमेशा सेम होनी चाहिए, टर्म्स सेम होनी चाहिए। बट इसका फरहान ये मतलब भी नहीं है, अगर टर्म्स डिफरेंट है तो कभी कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता है, कभी कॉन्ट्रैक्ट सेम हो ही नहीं सकता है। एग्जाम्पल ले लो, अगर आपके क्वेश्चन का हम आंसर देते हैं, टर्म्स डिफरेंट होगी, मैंने यहाँ पे बोला 10,000 में, आपने यहाँ पे बोल दिया 8,000 में, तो अब ये यहाँ पे, तो अगर आप यहाँ पे यस बोल देते तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता कंक्लूडेड। हम उसे क्या वर्ड यूज करते हैं? कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बन गया। बट एग्जाम्पल लगाओ, ये आपने 8,000 की अब मुझे ऑफर दी है ना, तो हम ऐसी ऑफर को क्या बोलते हैं? क्रॉस ऑफर्स बोलते हैं, क्रॉस ऑफर बोलते हैं। तो ये तो बहुत आगे का टॉपिक है, जस्ट हम मतलब आज स्टार्टिंग का कर रहे हैं, तो इसी में ऐसे नहीं होता, टर्म्स चेंज पे भी फिर उसको मैं एक्सेप्ट करूंगी। आपने तो 8,000 की मुझे अभी ऑफर दी है ना, अब उसके पास एक्सेप्टेंस का किसके पास आ गया? मेरे पास आ गया। अब अगर हम ये बात कर ही रहे हैं तो हमेशा याद रखना कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट तो भी भूल ही जाओ, अभी हम सिर्फ एग्रीमेंट की बात करते हैं। जब हमने एग्रीमेंट बनाना है, अगर नॉर्मल सोचो, आप किसी शॉप पे गए हो, आप ऑफर करते हो ना, दूसरा बंदा एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे आपने बोला हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, मैंने आपको ऑफर दी ना,
काउंटर ऑफर, ऑफ कोर्स काउंटर ऑफर पे तो बाद में आएंगे, जो भी आपका नाम है शो नहीं हो रहा, काउंटर ऑफर, क्रॉस ऑफर, जनरल ऑफर, ये सारे टॉपिक्स बहुत बाद में आएंगे, जस्ट हम स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं। ऑफर, पहले मैंने ऑफर दी, हाँ जी हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा रहे हैं, प्लीज आप हमारी डेमो क्लास लो, ठीक है, अगर आपको पसंद आती है तो आप इनरोल करवाओ। हमने क्या दी आपको, ऑफर दे दी, अगर आपको ये हमारी क्लासेस पसंद आ गई तो आप क्या बोलोगे, हाँ जी डन, तो वो डन क्या हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया। जब ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों मिल जाते हैं तो क्या बनते हैं, प्रॉमिस बनता है, तो हम दोनों का प्रॉमिस बन गया। प्रॉमिस के बाद एग्रीमेंट कैसे बनेगा, एग्रीमेंट के बाद कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा, वो तो सारा एक्ट इसी पे बात करता है, ठीक है। हमेशा पहले ऑफर होगी, मैंने ऑफर दी, हाँ जी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना है, आपने बोला हाँ जी पढ़ना है, तो एक्सेप्टेंस होगी, तो हम दोनों का क्या बन गया, प्रॉमिस। जस्ट हमारा फर्स्ट स्टेप है अभी इन इन बातों को समझना, ठीक है। अब हम आते हैं कॉन्ट्रैक्ट, ऑफ कोर्स इतने बड़े बड़े हम वर्ड यूज कर रहे हैं, एग्रीमेंट बन गया, ऑफर होगी, एक्सेप्टेंस होगी, बट हमेशा कोई भी एक्ट करने से पहले हमें उसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, ठीक है, हमें हर एक्ट की हिस्ट्री पता होनी चाहिए। सीधा इतने भारी भारी वर्ड्स या सीधा इनोवेशन थोड़ा होगी होगी, हमेशा कुछ तो इसका पास्ट रहा होगा कि हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जरूरत पड़ी। तो हमेशा याद करना, पहले कोई भी करेंसी एक्सचेंज नहीं होती थी, पहले जो भी मटेरियल, तो नो करेंसी एक्सचेंज, कोई भी करेंसी एक्सचेंज नहीं होती थी। जैसे आप, अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप मुझे फीस सबमिट कर रहे हो, तो यहाँ पे तो हमारा ऑफ कोर्स करेंसी, बट पहले क्या होता था, अगर हम बहुत पुराने, अगर आपने मूवीज में देखा होगा, ए है, यहाँ पे हम आप में से किसी का नाम ले लेते हैं, फरहान, ठीक है। अब मैं और फरहान बहुत पुराने जमाने के हैं, ठीक है, अब हम हिस्ट्री में जा रहे हैं, तो वहां पे हमें पैसे की तो जरूरत होती नहीं थी, और ये रियल हिस्ट्री है, इस पे क्वेश्चंस भी बच्चे मेंस में आता है, ये वैसे ही नहीं है, मेंस में इसका बकायदा क्वेश्चन आता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की पूरी हिस्ट्री लिखो कैसे ट्रेस हुई, तो हमें एक एक स्टेप पता होना चाहिए, ओके। आज तो हम उसका सिर्फ 10% यहाँ पे समझ रहे हैं, जस्ट फॉर डेमो क्लास, ओके। तो मैं बताती हूँ, हाँ ठीक है, यहाँ पे ए मैं हूँ और फरहान है, हमारे बीच में क्या होता था, अब मेरी मेरे पास राइस का काम है एग्जाम्पल, ठीक है, आपका वीट का काम है, ठीक है, अब चाहिए तो इसको, फरहान को राइस भी चाहिए और मुझे वीट भी चाहिए, ठीक है, बट हमारा तो बिजनेस अलग अलग है, तो हम क्या करते थे, मैं इसको बोल, बार्टर सिस्टम, वेरी गुड, ठीक है, मैं इसको बोलूंगी आप 10 kg राइस ले लो मुझसे, आप मुझसे 10 kg राइस ले लो, और ये बोलेगा मैं आपको 10 kg वीट दे देता हूँ, ठीक है। ये क्या था, इन इनको इसका क्या मतलब हो गया, मैंने आपको राइस दे दिया, आपने मुझे वीट दे दी, या मुझे जो चाहिए कुछ भी, XYZ आप कुछ भी लगा लो, ठीक है, जो जो हमें, बच्चे प्लीज स्क्रीन पे मार्क ना करें क्योंकि सभी को डिस्टर्ब हो रहा है, मैं फर्स्ट ठीक है। टाइम में भी कंफ्यूज हो गया था, ये जो मार्क था जो है ना यहाँ पे, ये म्यूट का ऑप्शन आ रहा है उसके साइड में, वो पेंसिल का वो बना हुआ है, उस पे मैं क्लिक किया तो कंफ्यूज हो गया। ओके ओके, नो प्रॉब्लम बच्चे को, नहीं आपसे नहीं हुआ है फरहान, किसी और से हुआ है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं एक्सचेंज, हम इसे क्या बोलते हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, आपने मेरे से कुछ गुड्स ले लिए और मैंने आपको कुछ गुड्स दे दिए, और यही प्रीलिमिनरी में एग्जाम आता है, प्री का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स को क्या बोलते हैं, अभी रियलमी किसी नाम नहीं मुझे श्योर है, उसने बताया था एक्सचेंज ऑफ गुड्स को क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, बार्टर सिस्टम से हुई, बार्टर सिस्टम क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, जो आपको चाहिए मैंने ए पार्टी ने बी को दे दिया, बी ने ए को दे दिया, तो ऐसे क्या है चलता रहता था। अब ये बार्टर सिस्टम किसी प्रिंसिपल पे तो बेस्ड होगा, भी मैंने, मेरी वर्डिंग ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला, आपने मुझे कुछ दे दिया और मैंने आपको कुछ दे दिया, मतलब मैंने आपके लिए कुछ कर दिया। अब बार्टर सिस्टम किस, कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ये भी प्री में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बार्टर सिस्टम बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल, बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल, बार्टर सिस्टम कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, कोई मुझे बता सकता है,
ओके, समथिंग फॉर समथिंग, समथिंग फॉर समथिंग, आप मुझे ये दे दो मैं आपको ये दे दूंगा, इसका क्या क्वेश्चन आएगा? इसे हम क्या बोलते हैं? क्विड प्रो क्यो, क्योंकि हम पूरे एक्ट में इतनी बार ये वर्ड्स यूज करेंगे ना, तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, आपके दिमाग में वैसे ही बैठ जाएंगे। तो क्वेश्चन आता है प्रीलिमिनरी में, क्विड प्रो क्यो का क्या मतलब होता है? क्विड प्रो क्यो का मतलब होता है समथिंग फॉर समथिंग। आपने मुझे राइस दिए, मैंने आपको वीट दे दिया, तो ये क्या होगा? समथिंग फॉर समथिंग। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको प्री का बताया, बार्टर सिस्टम, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। सेकंड आया क्विड प्रो क्यो, समथिंग फॉर समथिंग। ओके, यहां तक डन, समझ में आया? लॉफुल कंसिडरेशन, बच्चे कंसिडरेशन पे तो ध्रुव अभी हम आए नहीं है। कंसिडरेशन बहुत बाद का टॉपिक है, अभी हम कंसिडरेशन पे नहीं आए हैं। वो जब हम एक्ट पूरा, अब 2D में जब एक्ट पे पूरे आएंगे ना, तो कोई भी, हम हमेशा याद रखना, जो भी हम यहाँ पे एक्ट पढ़ रहे हैं, कोई भी आइसोलेशन में एक्ट नहीं पढ़ेंगे। जैसे आपने कंसिडरेशन का कोई भी आपको टॉपिक आ गया, एग्जाम्पल अगर आपने कंसिडरेशन अब बोला है, तो हमेशा याद रखना, तो मैं आपको एक चार्ट ऐसा बना के दूंगी, आपको सारी सेक्शंस, अगर आपने वो चार्ट याद कर लिया तो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट टिप्स पे हो जाएगा। आपको बाद में सेक्शंस के क्वेश्चन आते ना, उसके लिए एक्ट खोलने की भी जरूरत नहीं है। तो हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ, ऑफकोर्स बहुत बड़ा चार्ट है, जैसे जैसे हम करते जाएंगे, तो अगर कंसिडरेशन का टॉपिक आ गया तो 2D हर बच्चा लिख के आएगा, हर स्टूडेंट को बताएगा, बट हमने सेक्शन ही ऐसे याद करने हैं भी। एक टॉपिक आ गया तो हमने कौन कौन से सेक्शन, इसमें 2D, 23 to 25, ये तीन और चार, चारों सेक्शन आएंगे, ठीक है। अब हम एक टॉपिक का, अगर हमने ऑफर उठा लिया, अगर हमने एक्सेप्टेंस उठा लिया, अगर हमने एग्रीमेंट उठा लिया, कॉन्ट्रैक्ट उठा लिया, हम एक वर्ड करेंगे तो हम उसी के साथ सारे सेक्शन एक साथ लिख लेंगे। अगर हमें ऐसा क्वेश्चन आ गया तो हमने पूरे एक्ट में से कौन कौन से सेक्शन उठाने हैं, ठीक है। अभी तक हमने किया बार्टर सिस्टम, क्विड प्रो क्यो, लैटिन वर्ड में कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं, कॉन प्लस ट्रेहर, ठीक है। यहां तक अभी हम बार्टर सिस्टम, अब बार्टर सिस्टम खत्म हो गया, उसके बाद हमारे यहाँ पे आ गई ईस्ट इंडिया कंपनी। आज आपको मैं सारी हिस्ट्री नहीं बता रही हूँ, इसमें बहुत सारे ट्रेसेस मिसिंग भी होंगे, जस्ट आपको बीच बीच में बता रही हूँ लिंक करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कैसे बना वहां तक पहुंचने के लिए। अब हमारे पास आ गई, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे किस लिए आई थी? ट्रेड करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, ठीक है। जब वो यहाँ पे आई, अब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो इंडिया में आके उन्होंने क्या रियलाइज किया, अगर हमने इंडियंस के साथ, ब्रिटिशर्स ने, अब ब्रिटिशर्स आए, अब ब्रिटिशर्स को क्या रियलाइज हुआ, यहाँ पे तो कोई सेट ऑफ रूल्स ही नहीं है, अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाना उन्होंने, उन्हें चाहिए थे सेट ऑफ रूल्स। अगर उन्हें इंडियन के साथ ट्रेड करना है, बिजनेस करना है, फैक्ट्रीज यहाँ पे लगानी है, तो उन्हें कुछ सेट ऑफ रूल्स तो चाहिए। अगर सामने वाली पार्टी ने, अगर इंडियंस ने हमारे साथ ब्रीच कर दिया तो हम क्या करेंगे, अगर हमने कर दिया तो इंडियंस को भी सेट ऑफ रूल्स चाहिए थे, पर इंडिया में ऐसा कोई भी सेट ऑफ रूल्स नहीं था। जैसे जैसे बार्टर सिस्टम खत्म होता गया और उन्होंने अपनी कंपनीज बढ़ानी स्टार्ट कर दी, तो क्या हो गया, ज्यादातर लोग सेल्फ सफिशियंट होने स्टार्ट हो गए, ठीक है। पहले पहले क्या था, लिमिटेड रिसोर्सेस, लिमिटेड रिक्वायरमेंट्स थी लोगों की, ठीक है, दाल मिल गया, चावल मिल गई, ये मिल गया, तो हमारा गुजारा है, हमें नहीं चाहिए था। बट जैसे जैसे फैक्ट्रीज आती गई, वैसे डिमांड बढ़ गई। हाँ जी, ज्यादा हो गया ना लिमिटेड, पहले से अब ज्यादा हो गया। हाँ जी हाँ, वैसे वैसे मैं बात कर रही हूँ बार्टर सिस्टम में लिमिटेड रिक्वायरमेंट्स थे, जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप करती गई तो क्या हो गया, डिवीजन ऑफ लेबर होने लगी। जब डिवीजन ऑफ लेबर होने लगी तो क्या है, लाइफस्टाइल अपग्रेड होने लग गया, तो उनकी नीड्स भी ज्यादा होने लगी। जब लाइफस्टाइल, ऑफ कोर्स ये मैं इसको सारा डिक्टेट करवाऊंगी अगर आपको क्वेश्चन आ गया, जस्ट आज प्लीज बस आप समझने की, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो ठीक है, बस आप ऐसे मत कोशिश करना भी आपने लिखना है ये सब, जस्ट आप अपने दिमाग, ठीक है। लाइफस्टाइल अपडेट होता गया तो क्या हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अब उनके आने से इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ गई, बी कमर्शियलाइजेशन बढ़ गई, ठीक है, सी मॉडर्नाइजेशन बढ़ गई,
डी ग्लोबलाइजेशन बढ़ गई, इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इनहेंस्ड, इनडायरेक्टली क्या हो गया, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ने लगे, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ने लगे तो इसका डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, डिस्प्यूट्स ज्यादा अराइज होने लगे। और फिर उन्होंने रियलाइज किया नो सेट ऑफ रूल्स, नो रूल्स, नो प्रोसीजर, नो रेमिडी, इनके पास तो कुछ भी नहीं है टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट, इन डिस्प्यूट्स के लिए इनके पास तो कोई रूल्स नहीं है, कोई प्रोसीजर नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। तो इन्होंने क्या कोशिश की भी, हाँ जी हमारे पास एक कॉडिफाइड लॉ होना चाहिए, कॉडिफाइड मतलब रिटन, एक इंटैक्ट लॉ होना चाहिए, हमने अगर इंडियंस के साथ और इंडियंस ने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है तो ऐसे इस कारण हमें क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की नीड महसूस होने लगी। अब हम बात करते हैं, हम आप हमेशा ईयर्स के साथ, जब भी आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लिखो ना तो आप साथ में 1872 पक्का लिखो, अगर आपको ये याद है तो हमेशा क्वेश्चन आता है कम इन टू फोर्स, अभी हम इस पे आएंगे नहीं आज, तो कम इन टू फोर्स कब हुआ, इसको असेंट कब मिली, तो ये एक्ट आपने हर के साथ लिखना ही लिखना, ठीक है। अब हम बात करते हैं 1872 तक हम कैसे पहुंचे, अब ऐसे तो नहीं, अगर आप एक, मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं तो आप उसमें सब कुछ सही लिख दो, ठीक है आपके 10 out of 10 आ गए, ऐसे तो नहीं होता ना। ऑफ कोर्स जब एक हम नई चीज स्टार्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं, ठीक है, और बहुत सारी हमसे गलतियां होती हैं, तो हम उसको सही करते रहते हैं, इसको हम लॉ की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, बार बार अमेंड करते रहते हैं, भी नहीं हमें ये पसंद नहीं आया या हमें अब इस बात की जरूरत है, तो ऐसे ऐसे करके ही हम कहां तक पहुंचे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब हम ये जर्नी पूरी करते हैं फेज वाइज कि हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तक पहुंचे कैसे, ठीक है। फेज वन की बात करते हैं, फेज वन, ठीक है, फेज वन में क्या हुआ, थर्ड लॉ कमीशन को हमने ड्यूटी दी कि प्लीज आप हमें क्या करो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ड्राफ्ट करके दो, हमने क्या बोला थर्ड लॉ कमीशन को कि प्लीज आप हमारे लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना के दो, ठीक है। हमने ये बात उनसे कब बोली, इन 1861 में हमने थर्ड लॉ कमीशन को एक ड्यूटी असाइन की कि ड्राफ्ट करो हमारे लिए, 1861 में बोला कि हमारे लिए एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें तो बहुत जरूरी चाहिए तो आप बना के दो, तो उन्होंने एक ड्राफ्ट प्रेजेंट कर दिया अपना लिख लुक के भी, हाँ जी ये लो, प्रेजेंटेड इन कब किया 1866, 5 सालों बाद उन्होंने हमें एक ड्राफ्ट बना के दे दिया भी, हाँ जी ये वाले सेक्शन होने चाहिए, ये सब होना चाहिए, बट ड्यू टू पॉलिटिकल रीजंस वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को असेंट नहीं मिली, वो क्या हो गया, रिफ्यूज हो गया भी नहीं ये सही नहीं है। अब ये हो गया हमारा फर्स्ट फेज, थर्ड लॉ कमीशन फेल होगी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाने के लिए। अब हम बात करते हैं फेज टू की, फेज टू में क्या हुआ, जब थर्ड लॉ कमीशन हार गई तो हमने ड्यूटी किसको दी, फोर्थ लॉ कमीशन को दी कि प्लीज आप हमारे लिए ड्राफ्ट करो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो हमेशा हम क्या करते हैं, किसी की कॉपी उठाते हैं और उसमें चेंजेस करते हैं और नया एक्ट बना लेते हैं, तो सेम फोर्थ लॉ कमीशन वालों ने क्या किया, एक्सपेंड कर दिया प्लस मॉडिफाई कर दिया ओल्ड ड्राफ्ट। ओल्ड ड्राफ्ट कौन सा, जो फोर्थ लॉ कमीशन ने 1866 में बोला उसे एक्सपेंड कर दिया, उसे मॉडिफाई करके और नया एक्ट बना दिया, उसमें 3 चेंजेस मॉडिफाई किया। आप बोलोगे क्या मॉडिफिकेशन की, क्या एक्स्ट्रा क्या ऐड किया उन्होंने, उन्होंने 3 मॉडिफिकेशन ऐड, द मॉडिफिकेशंस आर, ऐसी कौन सी मॉडिफिकेशंस थी, द मॉडिफिकेशंस आर, फर्स्ट है इंग्लिश कॉमन लॉ ऐड कर दिया, क्योंकि हम ऑफ कोर्स सब कुछ ब्रिटिशर्स का मान रहे थे तो वहां पे कॉमन लॉ अप्लाई होता है तो उनके रूल्स भी हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऐड कर दिए। सेकंड, न्यूयॉर्क ड्राफ्ट कोड की भी कुछ चीजें यहाँ पे हमारे में ऐड कर दी। थर्ड, हमारे इंडियंस के लिए कस्टम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो कुछ कस्टम्स को भी ऐड कर दिया,
ठीक है, इंग्लिश कॉमन लॉ, न्यूयॉर्क ड्राफ्ट कोड एंड कस्टम्स को ऐड करके उन्होंने एक फिर से ड्राफ्ट पेश किया, बट वो भी रिजेक्ट हो गया। भी नहीं, हमें सही नहीं लगा, ये भी पास नहीं हुआ। अब आ गया हमारा लास्ट फेज, फेज थ्री। पहले हमने थर्ड लॉ कमीशन वालों को बोला, फोर्थ लॉ कमीशन, ठीक है, दोनों रिफ्यूज हो गए। उसके बाद हमने ड्यूटी दी सर जेम्स स्टीफन को। आप में से कोई बताएगा, सर जेम्स स्टीफन ने और कौन सा एक्ट लिखा है? ये प्री का क्वेश्चन आता है, सर जेम्स स्टीफन ने कौन से एक्ट लिखे हुए हैं? किसी को भी बताओ, सर जेम्स स्टीफन ने कौन सा एक्ट लिखा है? सर जेम्स स्टीफन ने हमारे लिए लिखा है इंडियन एविडेंस एक्ट। ये प्री का क्वेश्चन है, ठीक है। हमने उनको ड्यूटी दी कि प्लीज आप ही हमारे लिए एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना दो। तो उन्होंने क्या किया, रिवाइज किया ओल्ड ड्राफ्ट, मतलब ओल्ड मतलब फोर्थ लॉ कमीशन का ड्राफ्ट रिवाइज किया, प्लस उसमें एक मेजर चेंज ऐड किया, सेक्शन टू इंटरप्रिटेशन क्लॉज। जो भी हम मेन ज्यादा टाइम फोकस करते हैं डेफिनेशंस पे, सेक्शन टू उन्होंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने सेक्शन टू ऐड कर दिया। जहां भी मैं प्लस लिख रही हूँ तो उसका हमेशा मतलब होता है एंड, ठीक है। उन्होंने सेक्शन टू ऐड कर दिया, उन्होंने सारी चीजों का, आप बोल रहे हो आगे लिख तो रहे हो, ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, कंसीडरेशन है, प्रॉमिस है, प्रॉमिसर है, पहले उसका मीनिंग तो समझाओ, फिर ही इंसान आगे एक्ट समझेगा ना। तो उन्होंने सेक्शन टू ऐड कर दिया। नेक्स्ट प्री का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, जब ये पहले ये बता दूं, जब ये ड्राफ्ट पार्लियामेंट में हुआ तो ये बिल पास हो गया और ये एक्ट बन गया। अब ये कब बना, इनेक्टमेंट डेट कब है इसकी, हमेशा याद रखना, 26 अप्रैल, अप्रैल फूल से याद कर सकते हो, अप्रैल में आया था, 25th को, 25th अप्रैल को आया था। और कम इन टू फोर्स, एक्शन में कब आया, ये लॉ स्टार्ट कब हो गया अप्लाई होना, 1 सितंबर 1872, 1 सितंबर 1872, ये दोनों स्टार मार्क कर लो। स्टार मार्क का मतलब है ये क्वेश्चन आपको मस्ट याद करना ही पड़ेगा, जहां भी मैं स्टार मार्क कर रही हूँ, ठीक है। इनेक्टमेंट डेट 25th अप्रैल एंड कमिंग टू फोर्स 1 सितंबर 1872, ओके। अब एक छोटी सी और बात करते हैं हिस्ट्री की। जब तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं था, जब तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं था, तब तक क्या होता था, अगर हिंदूज में डिस्प्यूट हो जाता था तो हिंदू पंडित आते थे, अपने रूल्स के अकॉर्डिंग, अपने कस्टम के अकॉर्डिंग डिसीजन दे जाते थे। अगर सेम मुस्लिम्स में अगर कोई डिस्प्यूट होता था तो मुस्लिम्स के काजी आते थे और वो अपना डिसीजन दे देते थे। पारसीज का होता था तो वो अपना कर लेते थे, ठीक है। ज्यूइश का होता था तो वो अपना करते थे। तो मतलब क्या था, कॉन्ट्रैक्ट में भी क्या होता था, कॉन्ट्रैक्ट में भी क्या होता था, पर्सनल लॉज अप्लाई हो रहे थे, पर्सनल लॉज अप्लाई हो रहे थे, ठीक है। बट 1872 आने के बाद सबसे पहली जजमेंट आई, याद रखना, बहुत बार पूछी जाती है ये, माधव चंदर वर्सेस राज कुमार, 1872। इस जजमेंट में बोल दिया गया कि पर्सनल लॉ विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम नाउ, ठीक है। 1872 के बाद अब कोई भी पर्सनल लॉ अप्लाई नहीं होगा, कोई भी पर्सनल लॉ अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, इस जजमेंट में बोला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बार बार हर एक्ट में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं, हर एक्ट में पूछा जाता है कि क्या ये लॉ सब्सटेंटिव लॉ है और प्रोसीजरल लॉ है। अब हम बात करें यहाँ पे सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हमारे एक्ट में याद रखना
पहले हमें सब्सटेंटिव और प्रोसीजर का मतलब पता होना चाहिए, उसके बाद ही हम बताएंगे ये एक्ट हमारा एक्ट क्या है। सब्सटेंटिव का क्या मतलब होता है? सब्सटेंटिव का मतलब होता है इट डिफाइंस एंड डिटरमाइन राइट्स लाइबिलिटीज एंड ड्यूटीज। ये आप कुछ राइट्स देगा, लाइबिलिटीज देगा, आपको कुछ ड्यूटीज बताएगा। वाइस वर्सा प्रोसीजर लॉ क्या होता है? सब्सटेंटिव लॉ का अप्लाई कैसे करना है उसका प्रोसीजर बताता है। तो हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये प्री का बहुत बार पूछा जाता है, ये एक सब्सटेंटिव लॉ है, ये आपको राइट्स बता रहा है। ऑफकोर्स अब आप बोलोगे कहाँ पे राइट्स बता रहा है? एग्जाम्पल बात करो, जब हम स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे, जब हम स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है, लगा लो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है, वो बेलर के राइट्स बताएगा, बेली की बेलर की ड्यूटीज भी बताएगा, बेली की भी बताएगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनीफाई पे आएंगे उसमें बताएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में आएंगे उसमें बताएगा, ठीक है, प्लेज में आएंगे प्लेज में बताएगा। तो हम जैसे जैसे लॉज पढ़ते जाएंगे ना, एजेंसी पढ़ेंगे, एजेंसी में दो पार्टीज होंगी, उनके राइट्स बताता जाएगा, ठीक है। तो ये सभी में सभी की राइट्स एंड लाइबिलिटीज बताता है, इसलिए ये क्या है? सब्सटेंट सीआरपीसी इज द प्रोसीजर, ऑफकोर्स यस। हाँ, सीआरपीसी क्योंकि हमें आईपीसी का या कोई भी क्रिमिनल एक्ट का प्रोसीजर बताता है भी। हाँ जी, अब ये तो आपको पनिशमेंट बता रहा है। एग्जाम्पल अगर सीआरपीसी की बात करिए, भी आप अगर ये क्राइम करोगे, अगर आपने मर्डर किया 302 लगेगा, ठीक है, डिफामेशन की 500 लगेगा, थेफ्ट की ये लगेगा, ठीक है, आपको ये सर्टन एक्ट बताता जा रहा है। अब आप आपके साथ सच में वो हो गया, आपके साथ किसी ने वो ऑफेंस कमिट कर दिया, तो आप कैसे कोर्ट में मूव करोगे? सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, कैसे करेगा? आपका समरी ट्रायल है, प्रोसीजर वारंट ट्रायल है, बाय पुलिस होगा, क्या होगा, इंक्वायरी कैसे होगी, ट्रायल कैसे चलेगा, अपील कैसे चलेगी, ठीक है। अब ये सब कुछ बताएगा बच्चे। कॉन्स्टिट्यूशन को हम सुप्रीम लॉ मानते हैं, वो सुप्रीम लॉ, वो प्रोसीजर और सब्सटेंटिव में नहीं, वो हम सुप्रीम लॉ मानते हैं इंडिया का, ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा क्या है? सब्सटेंटिव लॉ है। और कोई भी लॉ आइसोलेशन में पढ़ाई नहीं जा सकता। अगर आपको एग्जांपल कोई भी क्वेश्चन आ गया, किसी भी टॉपिक को लेके लगा लो, तो आप हमेशा ऐसे नहीं हो भी सिर्फ इस, अगर किसी भी की राइट्स की बात कर रहे हैं, जैसे हम फाइंडर ऑफ गुड, अलग अलग टॉपिक है अभी, तो आप इनकी टेंशन भी ना लो क्योंकि आगे आगे आएंगे। तो हमेशा आप ऐसे नहीं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हो, अगर आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मेंस में कोई क्वेश्चन मिल गया तो आप सिर्फ इसकी ही लिख के जा रहे हो। तो हमेशा इसको बाकी लॉज के साथ कनेक्ट करके पढ़ना है, क्योंकि सामने वालों को भी लगे कि आपकी लॉ की नॉलेज ज्यादा है। जैसे इसको आप एसआरए के साथ पढ़ो, इसको आप सोगा के साथ पढ़ो, ये तो पक्के लॉज हैं जिनका अगर हम आगे जाके देखेंगे, ये इसके अंदर फॉल आगे जाके करेगा ही करेगा। इसमें आप इनके भी कुछ सेक्शंस लिखोगे, जब आप ये एक्ट पढ़ोगे तब आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जरूरत पड़ेगी, जब आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ोगे तो आपको इनकी भी कहीं ना कहीं जरूरत फील होगी, ठीक है। तो हमेशा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, थोड़ा थोड़ा ऑफकोर्स हम लॉ जब हम आगे करेंगे तो हम थोड़ा थोड़ा सीखते जाएंगे, हाँ जी हमने कैसे इंटरलिंकिंग करनी है लॉज की, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब हम पूरे जो हमारा कोर्स होगा हम उसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कैसे पढ़ेंगे और कितने सेक्शंस क्या कुछ पढ़ेंगे। पहले अगर हम ओल्ड लॉ की बात करें, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कितने सेक्शंस थे? सेक्शन 266 इतने सेक्शंस थे, बट हमने इतने सेक्शंस नहीं पढ़ने, ठीक है। अब क्या हुआ, फर्स्ट लिख लो सेक्शन 1275, सेकेंड लिख लो सेक्शन 76-123, थर्ड पॉइंट लिख लो सेक्शन 124-238, फोर्थ लिख लो सेक्शन 239-26। बताती हूँ ये ऐसे अलग अलग क्यों लिखे हैं। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है हम उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट वन,
जो कि हम आपके कॉन्ट्रैक्ट के पास आपका बेयर एक्ट होगा उसमें आपको दिखेगा। जो ये है ये भी आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही लिखा होगा, हम इसे वैसे बोलते हैं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। एक क्वेश्चन है, जैसे बेयर एक्ट में सीआरपी से आरपी से रजिस्टर ने वो मेंशन कर लगे कि डॉक्यूमेंट क्या उसमें चेंजेस आए हैं, तो हम लोग दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। फरहान आपकी आवाज ना थोड़ी सी एको कर रही है, ये आप मैसेज कर दो प्लीज, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी साथ के साथ। ओके ठीक है, जब तक फरहान का मैसेज आ रहा है तब तक हम पढ़ते हैं। जो हमारा सेक्शन 1 to 75 है वो हमारा बन गया कॉन्ट्रैक्ट 1, और जो 124 to 238 है वो भी आप देखोगे अपना बेयर एक्ट खोल के वो भी। बट जो ये वाली सेक्शन देखोगे ना वहां पे लिखा हुआ है रिपील्ड रिपील्ड, मतलब ये सारे इस एक्ट में से खत्म कर दिए गए। तो ये एक्ट कहाँ पे चले गए, ये सेक्शन 123 से ये लेके बन गए सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, सोगा बन गया ये 1930। हमेशा एक्ट के पीछे उसका ईयर तो लिखना ही लिखना है। अगर आप यहाँ पे आदत बनाओगे तो ऑफकोर्स आगे आपको बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि आप इतने ही सारे लॉज पढ़ने वाले हो तो आप ईयर भूल जाओगे। ठीक है, और जो हमने लिखा 239 to 266 ये हमारा बन गया पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो ये हमारे अलग अलग एक्ट बन गए हैं। तो हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अब क्या पढ़ना है, 1 to 75 सेक्शंस, 124 to 238 सेक्शंस, हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ये सिलेबस रहेगा। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मैम, सीआरपीसी आईपीसी ड्राफ्ट हो रहा है तो पूरा चेंज होगा। बच्चे अभी इसके बारे में ऑफ कोर्स अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं, हाँ पूरा चेंज होगा या क्या होगा अभी सीरियसली आई आल्सो डोंट नो, बट अब देखो क्या होता है। बट जब तक नहीं होता, ऑफ कोर्स ड्राफ्टिंग बहुत लंबा प्रोसीजर है, ड्राफ्टिंग एक कोई 1 महीने का 1 साल का तो काम नहीं है। तब तक तो हम जो हमारे पास है हम सिर्फ उसी को ही पढ़ेंगे। अभी हम बोल नहीं सकते हैं क्या पूरा चेंज करते हैं कैसे करते हैं, ऑफ कोर्स अभी सीरियसली कोई इस पे आंसर नहीं है। ठीक है, बट तब तक आपको जब तक वो नहीं आता तो आपको यही वाले लॉज, आप ऐसे नहीं अब नहीं वो आ जाएगा, आप तब तक तो ये वाले लॉज ही पढ़ो सारे। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज का हम करते हैं। बार बार हमें वर्ड्स आते हैं, क्या ये लॉ एग्जॉस्टिव है या ये लॉ नॉन एग्जॉस्टिव है, क्या ये लॉ नॉन एग्जॉस्टिव है। अब हमें पहले इन दोनों का मतलब पता होना चाहिए, एग्जॉस्टिव और नॉन एग्जॉस्टिव का क्या मतलब होता है, एग्जॉस्टिव का क्या मतलब होता है। अगर एक लाइन में आपको बताना हो एग्जॉस्टिव का क्या मतलब होता है, एक वर्ड में आपको बताना हो। किसी का मैसेज आया, 1 मिनट, जिसमें कुछ ऐड नहीं कर सकते। ओके वीरेंद्र ठीक है, ओके सही बोल रहे हो। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है ऑल इन ऑल, पूरा कंप्लीट है जिसमें कुछ ऐड नहीं कर सकते, कंप्लीट लॉ, कॉम्प्रीहेंसिव, कॉम्प्रीहेंसिव इसका मतलब होता है एग्जॉस्टिव। ठीक है, अब मैंने इसका आंसर आपको पहले ही बता दिया कि ये एग्जॉस्टिव लॉ नहीं है। जब भी आप इसको पढ़ोगे तो आप साथ में पार्टनरशिप देखोगे, एनआई एक्ट देखोगे, सोगा देखोगे, बहुत सारे लॉज इसमें साथ में आप पढ़ते जाओगे। ठीक है, इसका मतलब हमारा एक्ट क्या है, नॉन एग्जॉस्टिव है, ऑल इन ऑल नहीं है, ये कंप्लीट एक्ट नहीं है। ठीक है, अब यही बात प्रीवी काउंसिल ने भी हेल्ड की थी कि हमारा एक्ट नॉन एग्जॉस्टिव नहीं है, तो उसकी जजमेंट लिख लो। ऑफ कोर्स इसमें क्या हेल्ड हुआ था, जस्ट एक लाइन लिख लो, बाकी जैसे भी हमारा एक्ट स्टार्ट होगा तो मैं आपको लिखवा दूंगी। इवाडी वर्सेस भुगनदास 1891 पीसी, पीसी का क्या मतलब होता है, प्रीवी काउंसिल की जजमेंट है। ठीक है, इस केस में हेल्ड हुआ था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो एक नॉन एग्जॉस्टिव एक्ट है, ना कि एग्जॉस्टिव एक्ट है। हमने इसको जेम्स स्टीफन, जिसने हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लिखा है, उसने खुद ने अपनी वर्डिंग्स में ये बताया था
भी अगर हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को एग्जॉस्टिव बना देंगे तो वो बहुत बल्की हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसलिए सिर्फ यहाँ पे जनरल रूल्स की बात कर रहा है ऑफ एवरी ब्रांच जो हम डील करते हैं कॉन्ट्रैक्ट करने में, ठीक है। बल्कियर ना हो, बल्कियर मतलब बहुत भारी ना हो जाए, इसलिए हमने इसको क्या क्या लिखा है, एग्जॉस्टिव नहीं बनाया, नॉन एग्जॉस्टिव एक्ट रखे। ओके, आज के लेक्चर में कोई भी डाउट हो, अभी हमने एक्ट का कोई भी सेक्शन कुछ भी नहीं पढ़ा, क्योंकि जस्ट आपको पहले जो ये बेसिक्स हैं ये पता होना चाहिए एक्ट पे पहुंचने से पहले। तो ये थी आज की हमारी डेमो क्लास, अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप सर से बात कर सकते हो, अगर कोई भी आज मेरे रिगार्डिंग डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो। मैम ये तो बेसिक चीज है और मुझे सबको पता होगा यहाँ पे, ये हाँ जी जो आप पढ़ाई है ऑलमोस्ट सबको पता होगा कॉन्टेक्ट है। ओके ओके, बच्चे फिर आप क्या चाहते हो इंडियन मतलब डेमो क्लास में मैं क्या पढ़ाऊँ? कुछ सीआरपी से या आईपीसी आई थिंक। बच्चे ये सीआरपीसी आईपीसी की डेमो क्लास है ही नहीं, ये सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डेमो क्लास है। आपका फोकस ही किसी और लॉ पे है, और इनकी डेमो क्लास होगी ऑफ कोर्स वो या तो पेज से या आप जतिन सर से पूछ सकते हो। यहाँ पे मैं सिर्फ यहाँ पे अभी डेमो क्लास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर दे रही हूँ, आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। ओके फरहान, आपने ये डेमो क्लास किस चीज की समझी थी? वैसे मुझे क्वेश्चन आपका समझ नहीं आया, आपने बोला ये तो हर किसी को पता है। क्योंकि डेमो क्लास सिर्फ मैंने स्टार्टिंग में ही बोला ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डेमो क्लास है। अगर आप चाहते हो तो मैं 2 मिनट और बताती हूँ, कोई बात नहीं, हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट की। अगर हमने कोई भी सेक्शन याद करनी है, अगर हमें हमने कोई भी सेक्शन याद करनी है तो हमें क्या पता होना चाहिए, सेक्शन वाइज पहले हम कॉन्ट्रैक्ट से पहुंचेंगे फिर हम एंड वाले पे आएंगे। जैसे एग्जांपल, एक आपको 2 मिनट का डेमो देती हूँ, फर्स्ट डेमो क्लास है तो डेमो ही बताओ। 1 मिनट, मैसेज आया, ओके फरहान, आप तो आप उसमें लिखना देखना, वहां पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लिखा हुआ है। अगर आपने आईपीसी और सीआरपीसी ज्वाइन करनी है तो आप सर से बात कर सकते हो, तो ऑफ कोर्स उसकी भी डेमो क्लास जब होगी तो वो आपको नोटिफाई कर देंगे, ठीक है। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ना है वो आपके ऊपर, आप देख लेना अगर आपको समझ आ रहा है तो, ठीक है। नहीं नहीं सॉरी बोलने की कोई बात नहीं है, इट्स ओके, ठीक है। हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शंस याद कैसे करने हैं, हमें प्रॉब्लम आती है सेक्शंस याद कैसे करने हैं। कॉन्ट्रैक्ट हमें बता रहा है 2H में, ठीक है। 2H में आप अगर अपना बेयर एक्ट ही खोलो ना तो वहां पे क्या लिखा हुआ है, एग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ। हम हर सेक्शन को डिवाइड कर देते हैं, डेफिनेशन को ही डिवाइड करो, एग्रीमेंट, दूसरा है इनफोर्सिएबल बाय लॉ, ठीक है। एक एग्रीमेंट होगा, एक इनफोर्सिएबल बाय लॉ होगा। अगर हमने अब सेक्शंस कैसे याद करनी है, एग्रीमेंट किसमें डिफाइन है, 2E में, इनफोर्सिएबल बाय लॉ हम किसमें देखेंगे, सेक्शन 10 में, ठीक है। यहां तक समझ आया, फर्स्ट चार्ट हमारा है कॉन्ट्रैक्ट दो चीजों से मिलके बनता है, एक एग्रीमेंट होगा, एक कुछ ना कुछ इनफोर्सिएबल बाय लॉ होगा। वो क्या होगा, वो हम सेक्शन 10 में पढ़ेंगे, ये हम 2E में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं एग्रीमेंट किससे बनता है, अब ये तो हमारा यहीं पे खत्म कर दू चार्ट, हम इसको आगे लिखते हैं। अब हमारा एग्रीमेंट कैसे बनता है, एग्रीमेंट आ गया 2E,
वहां पे बनेगा एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर. मतलब एक तो प्रॉमिस होगा, एक उसमें कुछ कंसिडरेशन, दो वर्ड्स मेन आते हैं. तो प्रॉमिस किस में डिफाइन है? टू बी में. टू डी में कंसिडरेशन. अब कंसिडरेशन भी आगे, कहीं कंसिडरेशन का कोई भी डिमार्केशन आगे नहीं है, ठीक है. अब हम प्रॉमिस में आते हैं. प्रॉमिस भी, प्रॉमिस टू बी में, प्रॉमिस किन चीजों से बनता है? मैंने पहले ही बताया, एक प्रपोजल होगा मतलब ऑफर होगा, दूसरा बंदा एक्सेप्ट करेगा. प्रपोजल किस में है? टू ए में. एक्सेप्टेंस किस में है? टू बी में. तो हम ऐसे करके पूरा चार्ट पढ़ेंगे. अगर जो भी हमारा टॉपिक आता रहेगा हम उसको चार्ट बना लेंगे तो इजी हो जाएगा. कॉन्ट्रैक्ट टू एच, एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ. एग्रीमेंट किस में है? टू ई में. टू ई के बाद हम अगर आए, टू ई के बाद हम अगर आए, सेक्शन 10 आ गया इन्फोर्सिबल बाय लॉ. एग्रीमेंट प्रॉमिस से बनता है, कंसिडरेशन से बनता है. प्रॉमिस हमारा आ गया टू बी में और कंसिडरेशन टू डी में. ये है पी से है प्रपोजल, प्रपोजल आ गया टू ए में, एग्रीमेंट हमारा आ गया टू बी में. तो हम ऐसे इजीली याद कर सकते हैं सेक्शंस, ठीक है. ओके ध्रुव, फरहान, रियलमी, उमंग, वीरेंद्र, कोई भी डाउट हो? नो मैम, कोई डाउट नहीं. ओके ओके क्लासेस के बारे में, सेशन के बारे में कुछ भी पूछना है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो हम एंड कर रहे हैं. थोड़ा सा गुडरिच से रिलेटेड कुछ बता देती हूं. फरहान आपकी आवाज ना क्लियर नहीं है, टेक्स्ट करोगे? मैम मैं सर से बात कर लूंगा. ओके ओके नो प्रॉब्लम, आप सर से बात कर लेना. ओके नेक्स्ट क्लास ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. बच्चे अभी हमारा 2019, ओके ओके ध्रुव, बट अभी हमारा जो भी बैच चल रहा है आप जेजेसी के पेज में देखना, अभी सिर्फ हम वो वाले लॉज बढ़ा रहे हैं. और आप कोई स्पेसिफिक लॉ चाहते हो तो आप जतिन सर का आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर होगा, आप उनसे बात कर सकते हो. ओके ओके थैंक यू सो मच. ओके बाय बाय, हैव अ नाइस डे. ओके बाय, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द लेक्चर. ओके थैंक यू वीरेंद्र.